केंद्र सरकार ने विकसित भारत के अंतर्गत विकसित भारत चैलेंज का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य युवाओं को भारत के विकास के लिए अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा अधिकारी अर्पित तिवारी ने कहा, यह केवल एक प्रतियोगिता नहीं है बल्कि यह युवाओं के लिए एक मंच है जहाँ वे अपने विचार साझा कर सकते हैं और भारत के उज्ज्वल भविष्य के निर्माण में योगदान दे सकते हैं। यह माननीय प्रधानमंत्री की विकसित भारत की दृष्टि को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नेशनल यूथ फेस्टिवल को रीइमेजिन किया गया है, जिसमें विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का आयोजन किया जाएगा। उसी के लिए जो है जिला स्तर से विकसित भारत चैलेंज का आयोजन किया जाएगा। उसके माध्यम से जो यहाँ पे उत्तीर्ण रहेंगे, जो प्रतिभागी इसमें भाग लेंगे, उनको आगे दिल्ली जाने का मौका मिलेगा। तो विकसित भारत चैलेंज ही में ही ऑनलाइन क्विज आयोजित किया जाएगा। ये 4 चरणों में है। ऑनलाइन क्विज के बाद इसमें ऐसे और ब्लॉग राइटिंग कंपटीशन भी होगा, स्टेट लेवल प्रेजेंटेशन भी होगा, फिर उसके बाद नेशनल लेवल पे ये फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा दिल्ली में। सारा प्रोसेस ऑनलाइन होगा, क्या होगा? देखिए, इसका रजिस्ट्रेशन माय भारत पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। यही एकमात्र पोर्टल है जिसमें विकसित भारत चैलेंज में युवा 15 से 29 वर्षीय युवा भाग ले सकते हैं और इसी में रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही वो प्रतियोगिता में अलग अलग चरणों में भाग लिया जा सकता है। प्रतियोगिता के दौरान 4 चरण होंगे, जिनमें ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता, ब्लॉग लेखन और निबंध लेखन जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी।